तो देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड वाइब्रेशन पढ़ा सभी ने, पर ये कंसेप्ट किसी को समझ में नहीं आता। तो इसका कंसेप्ट देखो, ये एक छोटा सा है ना, इसको देखो सभी ने देखा होगा, आई डोंट नो इसको बोलते क्या है, पर बाजार में बिकता है 30-40-50 रुपए का मिलता है, इसको बाल खुजाते हैं लोग जनरली से ना, पर इससे देखो फिजिक्स समझ सकते हो। अगर तुम देखना चालू करो तो फिजिक्स हर जगह है। तो ये एक्सपेरिमेंट भाई अभी मार्वल सर ने मुझे दिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं तुमको ये एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। तो देखो इसमें देख सकते हो ना, तार दो हाइट के हैं ना, मतलब दो लेंथ के हैं, ये 6 वायर्स की लेंथ ज्यादा है और फिर 6 वायर्स और है मेरे पास जिनकी लेंथ कम है। मैं तुम्हें थोड़ा पास से दिखाता हूं, ध्यान से देखो। ऑल्दो ये चीज सभी ने देखी होगी, ये जो 6 वायर्स है इनकी लेंथ ज्यादा है और ये आपस में बराबर है, मतलब इनकी अपने आप में एक पर्टिकुलर इलास्टिसिटी और इनर्शिया है, ठीक है। और ये जो 6 वायर्स है लेंथ के, इनकी अपनी पर्टिकुलर लेंथ है और जो भी है ना, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है वो लेंथ पे डिपेंड करती है ना। तो ये वायर्स हैं इनकी लेंथ ज्यादा है और ये 6 वायर्स हैं इनकी लेंथ कम है। तो ठीक है, देखो अभी मैं डिस्टरबेंस सिर्फ एक पार्टिकल में कर रहा हूं और उस पार्टिकल में कर रहा हूं जिसकी लेंथ ज्यादा है, उस वायर में कर रहा हूं जिसकी लेंथ ज्यादा है, और देखते हैं क्या होगा तो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा पास आके दिखाता हूं इस चीज को ताकि अच्छे से देख पाओ। देखो है ना, तो यहां पर जब मैंने उन वायर्स को डिस्टर्ब करा जिनकी लेंथ ज्यादा थी, तो ध्यान से देखोगे तो जो छोटे वायर्स हैं वो फोर्स्ड वाइब्रेशन है, उनका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, बिल्कुल हल्का सा हिल रहे हैं, पर बाकी जितने भी लंबे वायर थे वो सारे के सारे वायर हिलने लगे। देखो मैं फिर से करके दिखाता हूं। अच्छा यही चीज अभी मैं छोटे वायर के साथ करता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो अभी सारे के सारे छोटे वायर बताए ज्यादा फ्रीक्वेंसी से हिलने लगे, पर जो बड़ा वायर है वो नहीं हिल रहा है ना, क्यों? क्योंकि जब मैंने एक छोटे वायर को हिलाया है ना, उसमें जब मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बाकी सारे छोटे वायर से मैच कर रही है, और ये सारे के सारे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। हमने पढ़ाई की रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, बड़े वायर्स की फ्रीक्वेंसी छोटे वायर के साथ मैच नहीं कर रही, तो उनका फोर्स्ड वाइब्रेशन हो रहा है। अगेन मैं दिखाता हूं, देखो है ना, हल्का सा भी अगर डिस्टर्बेंस गलती से भी बड़े वायर एक वायर में भी क्रिएट हो जाता है तो वो डिस्टर्बेंस बाकी सारे वायर फील कर लेते हैं। देखो छोटे वायर बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और बड़े वायर्स में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है।